ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सो इन दिस वीडियो विल सी सम मोर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू चैप्टर नंबर फोर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म सो फर्स्ट टॉपिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड राइट करंट कैरिंग कंडक्टर सी 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 करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड लेट सी तो देखते हैं स्टार्ट करते हैं क्या होता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड जब हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो सपोज दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यू नो दिस सिंबल दिस मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट दिस मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड जस्ट गोइंग टूवर्ड्स बोर्ड ये बोर्ड में इनसाइड जा रही है ना right so i'm just drawing this and suppose any conductor is entering in this in this manner and the length of this conductor is l right and current through this conductor is i okay then we know as the amount of magnetic field is b then this current carrying conductor with length l will experience a force and what will be that force Both force i'm तो बहुत सिंपल मैनर में हम देखेंगे बहुत डिटेल में ना जाकर हम कॉन्सेप्ट समझेंगे सो वी नो दैट नो दैट वन थिंग वी नो वेरी वेल इफ एनी चार्ज इज एंट्रिंग इन मैग्नेटिक फील्ड अच्छा मैग्नेटिक फील्ड भी हम आइडियल केस में लेकर चलते हैं कैसी मैग्नेटिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म ठीक है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमेशा हम आइडियल केस लेते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं

थीटा एंगल बिटवीन वी एंड बी राइट ये हमें पता है ऑलरेडी हमें पता है तो देखिएगा बहुत सिंपल सा हम इससे ही हम फॉर्म फोर्स बना लेते हैं तो ये क्या जाएगा ओके इन अबव इक्विशन अब इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय टी बोथ साइड बोथ साइड हम टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं सो एफ इंटू टी क्यू वी इंटू टी बी एंड बताइए ये इसको थोड़ा इरेज कर दूँ मैं चलिए साइन थीटा राइट ये इसको मैंने आउट लिख दिया दिस ओके स्टूडेंट्स सो देखिएगा अब हम ये वेलोसिटी इनटू टाइम वेलोसिटी इंटू टाइम मतलब ये चार्ज है यहाँ पर इनिशियली है वो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कुछ ना कुछ तो लेंथ कवर करेगा एंड दिस लेंथ विल बी एल सो दिस चार्ज हैविंग सम वेलोसिटी ऑल्सो जो हमने क्या लिखा है वी तो वेलोसिटी इन टू टाइम क्या होता है बच्चों बताइएगा वेलोसिटी इंटू टाइम लेंथ यस देखिए वी इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम होता है ठीक है सो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होगा लेंथ होगा ये याद रखिएगा जो जनरल कॉन्सेप्ट है वही हम यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू ये हो जाएगा लेंथ जो कंडक्टर uh, की लेंथ है वो एंड बी साइन थीटा यस अब हमें तो फोर्स चाहिए तो फोर्स को इधर ही रहने दिया टी को इधर ले आए अरे भाई ये क्या आ गया क्यू अपॉन टी सो फोर्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी को हम क्या बोलेंगे करेंट एल बी साइन तो प्लीज़ नोट डाउन दिस आई एल बी sin थीटा यूनिट वैक्टर जरूर चाहिए डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है और फोर्स की डायरेक्शन के कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे फ्लैमिंग्स हैंड रूल ये जरूर याद रखिएगा फ्लैमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर किसी को डाउट है और तो क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आई विल हेल्प यू डोंट वरी ओके सो वॉट फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट करेंट कैरियंग कंडक्टर क्या इेस कर दूँ आई होप आपने लिख लिया होगा तो इरेस करना ही चाहिए मुझे चलिए तो मुझे फोर्स मिल जाता है क्या फोर्स मिला है एक बार वो लिख लेते हैं सो वॉट फोर्स वी आर हैविंग बी आई एल साइंथीटा यूनिटर राइट बिल साइंथीटा ऐसा याद रख सकते हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय एनी करेंट कैरिंग कंडक्टर व इट एंटर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी बिल साइंथीटा बी आई एल राइट सारे कॉम्पोनेंट्स के नेम पता है आपको दे दे है देर यूज यूजल मीनिंग सभी की अपनी अपनी मीनिंग है यहाँ पर ओके okay. अब पता है एफ मैक्स कब होगा चलिए पहले वैक्टर फॉर्म लिख लेते हैं तो वैक्टर फॉर्म में पता है आपको वैक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे वेक्टर, वेक्टर फॉर्म राइट सो बी आई तो इसमें क्या है बताइए स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको तो आउट ही कर देते हैं तो वेक्टर कौन कौन से हैं वेक्टर बी एंड वेक्टर एल कौन सा प्रोडक्ट होगा क्रॉस प्रोडक्ट दिस विल बी क्रॉस प्रोडक्ट राइट ना अब इसमें ये एंगल किसके बिटवीन हो गया लेंथ लेंथ यहाँ पर बिहेव कर रही है एज अ डिसप्लेसमेंट ध्यान रखिएगा सो एंगल इज़ बिटवीन बी एंड एल ठीक है तो ये वेक्टर फॉर्म में हमने लिख दिया ठीक है इफ़ वेन दिस फोर्स विल बी मैक्सिमम ये हमारा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो आप ध्यान रखिएगा और इसको समझिएगा अब अब इसमें हम कंडीशन लिखते हैं स्पेशल केसेस लगा देते हैं स्पेशल केसेस राइट व्हाट इज स्पेशल केस थीटा इज 90 डिग्री सपोज थीटा इज 90 डिग्री

जीरो डिग्री हो या वन एटी डिग्री हो तो जीरो डिग्री के लिए भी ये क्या होगा जीरो होगा और वन एट्टी डिग्री के लिए भी ज़ीरो होगा ये ध्यान रखिएगा ओके दिस क्लियर बच्चों ओके वन मोर वीडियो आई विल शेयर यू टुडे इट्स तो ये टॉपिक के लिए हम इतना ही कंप्लीट करते हैं सो जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड इफ़ यू फाइंड सम डिफिकल्टी डाउट सो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स Thank you and have a nice day.